अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, जब हम इस ड्रोन की योजना के बारे में बात करते हैं तो इस योजना में ये भी बताया जाता है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसानों की जो लागत आती है उसमें कमी आएगी। हम ये समझना चाहते हैं जब ड्रोन किसान अप्लाई करेगा या खरीदेगा, हालांकि उसमें आपने बताया कि 80% की आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन लागत कम कैसे होगी, इसको थोड़ा समझाइए कि किसान भाई कैसे समझें कि इस योजना का लाभ लेने के बाद उनकी लागत में कमी आएगी। देखिए, ड्रोन के कुछ अनूठे लाभ हैं जिसमें एक तो किसी भी कार्य की दक्षता में वृद्धि करता है जी। जैसे आप छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का हो या उर्वरकों का हो, वो कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा में छिड़काव के कारण उसकी उर्वरक या पेस्टिसाइड की बचत होती है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि इसमें जैसे हम नॉर्मल तरीके से छिड़काव अगर पेस्टिसाइड का करते हैं उसमें पानी की मात्रा काफ़ी होती है, तो इसमें फॉर्मूलेशन इस तरह के हैं कि इसमें पानी बहुत कम लगता है और इफ़ेक्टिवली वो प्लांट के ऊपर जा कर के आपका पेस्टिसाइड अगर है तो वो चिपक जाता है। तो इसमें एक तो आपकी पेस्टिसाइड की मात्रा कम हो गई, दूसरी चीज़ पानी की बचत हो गई, और इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ है वो है समय की बचत। कृषि में जो भी कार्य होते हैं, छिड़काव करना है या उर्वरकों का एप्लीकेशन है, उसमें समय काफ़ी लगता है, तो इसमें एक एकड़ जैसा कि मैंने बताया था, एक एकड़ में पेस्टिसाइड का अगर छिड़काव करना है तो 5 से 7 मिनट में एक ड्रोन अपना काम कर लेता है, तो समय की बचत हो गई, उर्वरकों की बचत हो गई, पेस्टिसाइड की बचत हो गई, तीन जो इनपुट्स है ये सारे की, तो इससे किसानों की एक तो बचत होती है। दूसरी चीज़ जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं हम, तो किसान भाई अपने पीठ पर लाद करके स्प्रे पंप लेकर जाते हैं, कोई सेफ्टी गियर्स उनके पास नहीं होते हैं, तो वह एक्सपोजर पेस्टिसाइड का एक्सपोजर हो जाता है, उसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे ड्रोन के उपयोग से इसका ये फायदा है कि मानव जोखिम को हम कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जोखिम कम करना, उसके बाद तो आपकी दक्षता के कारण इसमें कम समय में बहुत सारा काम हम लोग कर लेते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी किसानों की बचत होती है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुकेश जी का फिर से रुख करते हैं। मुकेश जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे किसानों को, महिला किसानों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो इससे क्या समझा जाए, और कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, या उनकी भी कोई पात्रता निर्धारित की गई है कि इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये दिया जाएगा या यही सिर्फ एलिजिबल हैं? देखो, महिला स्वयं सहायता समूह जो है कि गांव के स्तर पे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहे हैं, कोई खेत के अंदर पेस्टिसाइड वगैरह बांटने का जो है ना मार्केटिंग का काम भी करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप है। पर ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्कीम है और उनका जो है ना ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कोई भी इच्छुक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आवेदन कर सकते हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उनको चुनेगा किसको देना है क्लस्टर के, जो से हमने बताया कि कहाँ पे, पहले ये भी देखना पड़ता है कि किस क्लस्टर के अंदर ये कामयाब हो सकता है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके तो वहाँ पे पहले हम दे रहे हैं ताकि वहाँ पे उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो लोग उस चीज़ को जल्दी अपनाएंगे। तो ये जो स्वयं सहायता समूह जो है वो अप्लाई करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, और ये जो पोर्टल की बात करिए, बहुत जल्दी ये पोर्टल बनने जा रहा है, उसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें पोर्टल में ही अप्लाई करेंगे, आवेदन आ जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनमें से चुनाव करेगा, उनको अप्रूवल लेटर तुरंत मिल जाएगा, अप्रूवल लेटर जैसे ही मिल गया उसके बाद उनको जो है जो ऐसे बताया कि 80% सब्सिडी मिलेगा, बाकी 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत उनको पैसा मिलेगा, तो तुरंत वो लोन के लिए AIF को तुरंत के तुरंत वो अप्लाई करेंगे, सब ऑनलाइन चलेगा, जैसे ही उनका एप्लीकेशन वहाँ पर चला जाएगा उनका लोन मंजूर हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चर जो निर्माता ड्रोन बनाने वाले निर्माता जो है उनको असाइन हो जाएगा किन से उनको मिलेगा,
और उसके निर्माता की अब वो क्या करेगा कि RPTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं, मान लेते हैं कि एक किसान तमिलनाडु का है, तो उस तमिलनाडु के लिए जो आसपास के जो RPTO होगा वो निर्माता अपने आप पहले ही चुन के रखेगा, और उस जिसको भी चुना है तो उसको डायरेक्टली उसको पंजीकरण हो जाएगा वहाँ पर RPTO में, और उसको शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो सीधा वहाँ जाकर वो ट्रेनिंग लेंगे। तो इस स्कीम का सबसे अच्छी बात और ख़ास बात इस बात पे नज़र है कि किसान को या महिला को ड्रोन देने से पहले ही हम उसको प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण करवा चाहते हैं, प्रशिक्षण होने के बाद ही उनको ड्रोन दिया जाएगा। तो ये पूरा कार्य, किसी भी कार्य के लिए उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं है, सारा काम पोर्टल के द्वारा होगा और घर बैठे ही उसका सारा कुछ सुख सुविधाएं मिलेगी। बस ट्रेनिंग के लिए जरूर उसको एक निर्धारित स्थान पर जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ आना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी,